नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू पंच। ऑल न्यू भाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें अब आपको सीएनजी मिलने लग गई और कुछ इसमें फीचर्स हैं जो वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो पेट्रोल वाले में नहीं मिलते। कंपनी ने कुछ इसमें अपडेट किया है छोटा मोटा, वो बताऊंगा। सबसे बड़ा अपडेट है वो तो सीएनजी का है, वो तो आपको दिखाना ही है, लेकिन कुछ और भी है जो एक्स्ट्रा चेंजेस है इसमें, वो भी आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं भाई इसके फ्रंट से। फ्रंट में यहाँ पे जो इसमें ऊपर वाला पार्ट दिया गया पूरा पियानो ब्लैक है। यहाँ पे इसमें टाटा का लोगो मिलेगा, यहाँ पे हॉर्न होता है, ट्राई एरो डिजाइन इसमें मिल जाएगा, कोई डीआरएल वगैरह नहीं मिलती भाई। यहाँ पे आपको पायलट बल्ब मिलेगा येलो कलर का, यहाँ पे मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर, हैलोजन इसमें ये हेडलैम्प दिया गया है, नीचे फॉग लैम्प वगैरह नहीं है। और भाई नीचे वाला पार्ट भी पूरा रफ ब्लैक प्लास्टिक का ही मिलता है। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो ये देखो भाई साइड प्रोफाइल, इसमें भी आपको यहाँ पे कवर नहीं मिलते, ये कंपनी वालों ने अलग से लगाए हैं। 2600 रुपए भाई इसकी कॉस्ट है। अगर आप लेते हैं शोरूम से ये कवर आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे टाटा के ब्लैक कलर के। इसमें आपको स्टील रिम मिल जाएंगे। टायर का प्रोफाइल बताऊं तो वो है भाई 185/70R15 15 इंच के इसमें आपको टायर मिलेंगे। बेस वेरियंट में ही प्योर वेरियंट है, यहाँ पे ब्लैक कलर के चौड़ी सी इसमें क्लैडिंग मिल जाएगी। जो इसके ओआरवीएम है वो मिलेंगे रफ ब्लैक कलर के, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है। और डोर हैंडल भी भाई ब्लैक कलर में ही मिलते हैं, की होल यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा। रूफ रेल वगैरह ऊपर नहीं है, कोई एंटीना वगैरह इसमें नहीं मिलेगा, बेस वेरियंट है भैया। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो भाई ये देखो यहाँ पे पंच का बड़ा सा आपको ये बैज मिल जाएगा, ICNG यहाँ पे लिखा गया है, टाटा का यहाँ पे लोगो मिल जाएगा, वाइपर डिफोगर वॉशर नहीं है ऊपर कोई भी, यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप, एंटीना के लिए स्पेस मिलेगा, एंटीना नहीं है, सीएनजी का यहाँ पे स्टिकर, लोकल फॉर वोकल के लिए स्टिकर मिलेगा। टेल लाइट की बात करें पूरा हैलोजन है, यहाँ पे भी हैलोजन बल्ब मिलेगा, ये भी हैलोजन है। और जो बैक गियर की लाइट है वो इसमें मिल जाती है, यहाँ पे जो ऊपर टॉप वेरिएंट आएगा इसका उसमें यहाँ पे होती है, नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं इसके बंपर के ऊपर, बंपर भी पूरा यहाँ पे मैट ब्लैक कलर में ही है। बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे इसमें मैग्नेटिक बटन दिया गया है, ये जैसे पहले था सेम वैसे ही है। और भाई यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इसमें ये दो सिलेंडर नीचे की तरफ, और ऊपर यहाँ पे 210 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलेगा। इसमें मीडियम साइज का ट्रॉली बैग रख सकते हैं और छोटे मोटे बैग उसके साथ में आ जाएंगे, इतना यहाँ पे इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। पहले भाई जो हैचबैक गाड़ियां आती थी ना उनमें होता था इतना बूट स्पेस, लेकिन भाई इसका प्लस पॉइंट ये है इसमें है सीएनजी, और सीएनजी के साथ भी इसमें एक नॉर्मल हैचबैक के जितना बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे लाइट वाइट कोई नहीं मिलेगी आपको, साइड में यहाँ पे 1-1 kg के ये हुक मिल जाएंगे, पार्सल ट्रे भी यहाँ पे नहीं देगी। और जो इसकी सीट है भाई ये आप फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे ये फोल्ड करने के लिए दिया गया है, आगे जाऊंगा जब दिखाऊंगा आपको। अब चलते हैं भाई अंदर। ये देखो भाई इसका इंटीरियर सेम वही है, ड्यूअल टोन, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर मिल जाएगा, ये पूरा यहाँ पे ब्लैक है। और भाई पूरा यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है पावर विंडो के लिए कंट्रोल, वन टच डाउन है ड्राइवर साइड का विंडो, बाकी और कोई कंट्रोल नहीं यहाँ पे। ये इसका भाई डोर ओपनर, इसी से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है भाई ट्विटर के लिए स्पेस, नीचे स्पीकर के लिए स्पेस, यहाँ पे बोतल होल्डर ये मिल जाएगा, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर। सीट की बात करूँ तो भाई पूरी फैब्रिक सीट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, हाइट एडजस्ट करने के लिए कोई भी यहाँ पे आपको सिस्टम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं भाई इसके डैशबोर्ड की। ये देखो भाई कितनी ज्यादा साइलेंट होगी ना अंदर बैठते ही, बाहर इतना ज्यादा शोर शराबा हो रहा था आपको भी शायद से माइक में सुनाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा बिल्कुल साइलेंट होगी। इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो सीएनजी का, वो मैंने बता दिया। एक और जो इसमें सबसे बड़ा चेंज है भाई प्योर वेरियंट में, वो है ये क्लस्टर का। इसमें आपको मिलेगा पूरा ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पहले होता था भाई इसमें ये एनालॉग, यहाँ पे दो आपको डायल मिलते थे, बीच में छोटी सी एमआईडी होती थी, लेकिन अब पंच के प्योर वेरियंट में सीएनजी वाले में आपको डिजिटल क्लस्टर मिलेगा। यहाँ पे मिल जाएगा आपको आरपीएम के लिए, जैसे अल्ट्रोज या फिर दूसरे आपने किसी भी गाड़ी में देखा होगा सेम वही क्लस्टर है ये। यहाँ पे आरपीएम शो करता है, यहाँ पे ये इसमें सीएनजी शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा भाई पेट्रोल, बीच में यहाँ पे एमआईडी है, इसमें ऊपर टाइम दिखाएगा, डिजिटल स्पीड दिखाएगा, ये ओडोमीटर है, ये ट्रिप दिखाएगा, यहाँ पे ये ट्रिप भी दिखाएगा। बस अगर सीएनजी पे है तो इतने ही फीचर दिखाएगा। और भाई अगर सीएनजी वाला मोड हम डीएक्टिवेट कर देते हैं यहाँ से, तो इसमें यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी शो करेगा, यहाँ पे भाई इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी शो करेगा, यहाँ पे एवरेज भी दिखाएगा दोनों ट्रिप का अलग अलग, ये यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है। ये इसमें तीन चार फीचर और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। बाकी भाई जो उसके टॉप वेरिएंट में आपने देखा होगा, दूसरे और वीडियोस में भी आपने देखा होगा, मेरे पास कमेंट भी आए थे कि पंच में अपडेट कर दिया आपने, वो बताया नहीं। तो भाई वो अपडेट यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे मैनुअली सेंटर लॉक करने के लिए इसमें बटन दिया जाता है, वो इस वाले वेरियंट में नहीं मिलेगा भाई, इसमें यहाँ से ही लॉक होगा। ये देखो लॉक हो गया, इसमें आपको स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिलता है, 10 की स्पीड पर जाते ही डोर ऑटोमेटिक यहाँ से लॉक हो जाते हैं। अगर चलती हुई गाड़ी में भी बच्चा इसको खींच देगा तो एकदम से ये डोर इसका खुल जाता है, वो इस वाले वेरियंट में भी होगा। अब ये मेरे वाले डोर खुला था इसलिए लॉक नहीं हो रहा था, ये देखो अब लॉक हो गया, इसको एकदम से मैं खींचूंगा ये खुल जाएगा। तो ये इसमें भाई नेगेटिव पॉइंट था, पहले था अब भी है, मैं ये चेंज नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले वेरिएंट में ये चेंज कर दिया, यहाँ पे उसमें बटन दे दिया जैसे मैंने बताया। अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी खींचूंगा ना, ये देखो एकदम से खुल गया,
ये है भाई इसमें दिक्कत। अब आने वाले टाइम पे प्योर में कब देंगे वो देखो भाई कब तक चेंज होता है। बाकी ये भाई इसका चेंज हो गया क्लस्टर, सीएनजी इसमें आ गई। यहाँ पे सारा कुछ सेम है पहले की तरह, कुछ भी चेंज नहीं है। ये भी वही मटेरियल यहाँ पे दिया गया है, ये व्हाइट है, ये यहाँ पे पूरा ब्लैक है। दो इसमें एयरबैग मिलते हैं, एक यहाँ पे मिलेगा, वहां पे मिलेगा। सिंपल वाला यहाँ पे आईआरवीएम है, डिमिंग आईआरवीएम नहीं है। येलो कलर की लाइट दी गई है। यहाँ पे कोई माइक वगैरह नहीं है, वैनिटी मिरर भी नहीं मिलता भाई यहाँ पे। और यहाँ पे टिकट होल्डर इसमें दिया गया है। ग्रैब हैंडल नहीं है भाई फ्रंट में, यहाँ पे ग्रैब हैंडल जरूर मिल जाएंगे पीछे की तरफ। सेंटर में यहाँ पे आऊँ तो भाई इसमें ये मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। यहाँ पे ये सिंगल डिन म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए अलग से स्पेस दिया गया है। टच म्यूजिक सिस्टम लगाना वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा आपको थोड़ा सा स्पेस। और इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। ये गियर नॉब है जो पूरा हार्ड प्लास्टिक का है, ब्लैक कलर का। यहाँ पे पियानो ब्लैक दिया गया है ये। और भाई यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, थोड़ा स्पेस। ये इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। यहाँ पे इसमें आपको स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा। यहाँ पे कार्ड होल्डर है, ये पेन होल्डर ऊपर, यहाँ पे डायरी वायरी आप अलग से रख सकते हैं। और भाई ये कूल्ड नहीं है, यहाँ पे ये वेंट इसमें नहीं मिलते। ऊपर यहाँ पे दिखाऊं तो भाई स्टेयरिंग इसका डी कट है, रबड़ रैप है। यहाँ पे ब्लैक कलर मिलेगा, ये मैट ग्रे कलर है। इसकी एडजस्टमेंट की बात करूं तो टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा वाइपर के लिए स्ट्रोक, यहाँ पे हेडलैम्प के लिए हेडलाइट लेवलर, ये यहाँ पे दिया गया है। की भाई इसमें वही सिंपल वाली मिलेगी जैसे पहले होती थी, इस टाइप की इसमें की मिल जाएंगी। दो रिमोट की नहीं मिलती इसमें। ये था भाई फ्रंट में, और तो कुछ इसमें चेंज था नहीं। बाकी जो इसका सीएनजी वाला टॉप वेरिएंट है उसमें तो भाई यहाँ पे सनरूफ भी मिलती है, और यहाँ पे जो लाइट है ना ये अलग है, उसमें नेक्सॉन वाला सिस्टम आ जाएगा पूरा। यहाँ पे उसमें सनग्लास होल्डर वगैरह और जो भी लाइट वाइट दी गई ना वो नेक्सॉन की तरह आएगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा चेंज आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा, देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे चेंज है, थोड़ा अलग सा बना दिया। ये पहले ये इस टाइप का नहीं होता था, थोड़ा अलग होता था। अब चलते हैं पीछे की तरफ, सेकंड रो में जाकर देखते हैं क्या और मिलेगा। यहाँ पे भाई डेड पैडल भी होता है पंच में, थोड़ा स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। ये है भाई सीएनजी वाला बटन, पहले शायद नहीं दिखाया था मैंने। अब देखो सेकंड रोज का, यहाँ पे आपको मैनुअल विंडोज मिलते हैं, दो ही मिलते हैं पावर विंडो फ्रंट वाले। ये डोर लॉक अनलॉक करने के लिए या फिर डोर ओपन करने के लिए, ट्विटर के लिए स्पेस, यहाँ पे स्पीकर के लिए स्पेस, यहाँ पे बोतल होल्डर थोड़ा स्पेस। यहाँ पे ये व्हाइट कलर मिलेगा, ये पूरा यहाँ पे ब्लैक कलर मिल जाएगा। पीछे वाली सीट भाई पूरी यहाँ पे बेंच सीट मिलती है फिक्स। यहाँ पे हेडरेस्ट मिलेगा, इसको फोल्ड कर सकते हैं यहाँ से। इसको जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये आगे आ जाएगी, दूसरी साइड से भी करना पड़ेगा तब आएगी आगे। यहाँ पे आइसोफिक्स सीट के लिए हुक दिए गए हैं। और भाई इसमें स्पेस की आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे इतना मेरे को नी स्पेस मिल जाएगा, नीचे टांगे चली जाएंगी, काफी हाइटेड है सीट इसकी। और अंडर थाई स्पोर्ट भाई ये देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है, 6 फीट मेरी हाइट है। और भाई 3 बंदे भी यहाँ पे बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी हम्प वगैरह इसमें नहीं है। थोड़ा स्पेस मिल जाएगा फोन वन रखने के लिए। और ये देखो फ्लैट फ्लोर दिया गया है, तो यहाँ पे अगर एडल्ट भी बैठेगा ना तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पेस भी है काफी यहाँ पे, 3 बंदे बैठ जाएंगे आराम से एवरेज साइज के। और भाई यहाँ पे इसमें ग्रैब हैंडल दिए गए हैं ऊपर की तरफ, दोनों साइड मिल जाएंगे। पीछे यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, कोई भी पार्सल ट्रे भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। और भाई सीट का वैसे बोलते हैं भाई, पीछे मैं अपनी गाड़ी में भी इतना नहीं बैठा, कहीं लंबा ट्रेवल मैंने नहीं किया। बाकी जो और कोई बैठता है पीछे वाली सीट पे वो बोलते हैं कि इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ी स्ट्रेट टाइप की सीटें हैं। लेकिन भाई मेरे को तो ऐसा नहीं लगता यहाँ पे बैठने में कि यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी। अगर कभी भाई घर पे है गाड़ी तो कभी यूज करेंगे, कभी लंबा ट्रेवल करेंगे पीछे वाली सीट पे भी बैठ के, तो फिर आपको बताऊंगा भाई कैसा है कंफर्ट। फ्रंट वाली सीट पे कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल सीटें हैं। अब बात करते हैं भाई इसके इंजन की। यहाँ से होगा इसका इंजन भी ओपन। ये देखो भाई नए वाला इंजन मिलेगा आपको इसमें, वही BS6 फेज 2 वाला। इसकी पावर की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाएगी भाई 72 BHP की पावर। पेट्रोल में आपको ज्यादा मिलती है, CNG लगने के बाद भाई पावर कम हो जाती है। कोई भी ब्रांड की गाड़ी ले लो आप, कोई भी गाड़ी ले लो, सब में आपको CNG वाले वेरिएंट में पावर कम ही मिलेगी पेट्रोल के अकॉर्डिंग। तो भाई इसमें आपको कम मिलेगी, 72 BHP की पावर मिलेगी। और भाई 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। यहाँ पे दिया गया भाई ये CNG के लिए जो रिड्यूसर इसमें यूज किया गया है, पीछे सिलेंडर मैंने दिखाई दिया। बाकी और वही पेट्रोल वाला सेटअप है पूरा, और कोई चेंज यहाँ पे है नहीं, सेम वही मिलेगी सारी चीजें। यहाँ पे भैया कवर भी मिलेगा ताकि इंजन की आवाज बाहर ज्यादा ना आए। तो भाई ये था पंच का CNG वाला वेरियंट, प्योर वेरियंट है। और भाई इसकी माइलेज की बात करूं तो कंपनी क्लेम करती है 27 की। इसकी मैक्सिमम कीमत की बात करूं तो ये है भाई 7,10,000 रुपए ऑन रोड जाएगी, लगभग 8,08,10,000 इसकी ऑन रोड कीमत जाएगी। मेरे यहाँ पे अभी जो प्राइस लिस्ट मैंने देखी थी उसमें कुछ एक्सेसरीज वगैरह ऐड थी, उसमें थी 8,23,000। अगर आप एक्सेसरीज वगैरह नहीं लेंगे तो उसमें जाएगी 8,00,000 से 8,10,000 के बीच में रहेगी इसकी ऑन रोड कीमत। तो भाई ये था प्योर वेरियंट, आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।